समाजवादी चलाना इस सोच में क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसमें कोई देखिए जो समाजवादी पार्टी ने थाली के लिए कहा कि गरीब भोजन हो, पहले 20 रुपए में समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था लक्षणों में, इस सरकार ने बंद कर दिया। अक्षय पात्रा को बढ़ावा दिया था जिसमें बच्चों को हॉट कुक्ड फूड मिल रहा था, दूध भी दे रहे थे, फल भी दे रहे थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो समाजवादी थाली में पौष्टिक भोजन मिलेगा और 10 रुपए की होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो जरूरत की हैं, क्योंकि लोहिया जी ने कभी सिद्धांत दिया था दाम बांधो का, और दाम बांधो के तहत अगर हमें समाजवादियों को समाजवादी स्टोर या किराना बाजार ऐसे खोलने पड़े जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम कम हो, फिक्स हो, तो शायद गरीब लोगों को और आम लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचे। एक बड़ा है भारतीय जनता पार्टी, अच्छा खुद के लिए नहीं आए ना, कैसे कुछ इंतजाम कर सकती है क्योंकि किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, किसानों की मदद नहीं कर रही है। ये सरकार कानून ला करके और इन्होंने बहुमत के साथ बड़े लोगों की मदद कर रही है, जो नेताजी चुनाव में संकेत दिया है कि रेडियो को छूट मिल सकती है। नहीं हम बघेल हैं वो जनता पार्टी को बधाई मैं किसानों को बधाई देता हूँ वादा खिलाफी आंदोलन के लिए, और किसानों ने जब जब लड़ाई लड़ी है किसानों ने लड़ाई जीती है, और किसानों की एकजुटता और वोट को लेकर के जो चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में आ गया उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तीनों काले कानून वापस लिए हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है, इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया और किसानों के लिए काले कानून लाए। आने वाले समय में किसान एकजुट हो जाएं, और मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी अगर कांच पकड़ करके उठक बैठक भी लगाया गया 700 बार, तब भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं। गृह राज्य मंत्री, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, नाम बदल के कुछ ले आएगी तो